लड़की जिसने डॉक्टर शरीन को सीढ़ियों से धक्का दिया है। ठीक है, ये पुष्पाचल क्या आ गया ही? हे दुलीन, ये कहा बोलियो तुम? और ये कौन डॉक्टर शरीन? देखा इंस्पेक्टर ने बोला लोटस हॉस्पिटल के डॉक्टर शरीन को आज किसी ने हॉस्पिटल की सीढ़ियों से धक्का दिया है। लेकिन आप मुझ पे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं? मैं तो भैया के साथ शॉपिंग पर गई थी, है ना भैया? हाँ हाँ या जी, जरूर आपको कोनो गलत फहमी हुई है। अरे सिद्धि बहन तो हमारे साथ ही थी। यानी बोला मेरा विश्वास कीजिए पांडे जी, अरे मैंने खुद अपनी आंखों से सिद्धि को धक्का देते हुए देखा है। तुम अपने घर के ग्रजेस निकालने के लिए पुलिस को घर तक ले आई हो? रिडिकुलस। सिद्धि बहन के हाथों में स्याही लगी है। ये ऐसी स्याही का छापा डॉक्टर सरीन के शर्ट पर था। अब तो आप मेरी बात मानते हो ना? शरा कुछ भी मत बोलो। मैं जहाँ ब्लाउज खरीदने गई थी वहां शायद ब्लाउज का डाई लग गया होगा। और कितना झूठ बोलोगी सिद्धि बहन? बस, अरे बस कीजिए याची, और भगवान के लिए आप चली जाइए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, देखिए वो हमारी पत्नी को जरूर कोनो गलत नजर का धोखा हो गया। अब हम इस बात का प्रमाण दे सकते हैं कि सिद्धि हमारे साथ ही थी। अब और यहाँ कोनो मुझे नहीं है, माफ कीजिएगा, आपका समय खामखा नष्ट किया है हमने। उसने अजीब लोग हैं। हाउ डेयर यू, शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी सिद्ध को फ्रेम करने के लिए सब कुछ किया ना तुमने, झूठ बोल के। शेम ऑन। मैं झूठ नहीं बोल रहा रानी बा, राकेश वाले। लेकिन नीरा जी, हम आपकी बात पर विश्वास कैसे करें? अरे हम बोल रहे हैं ना कि सिद्धि सारा समय हमारे साथ ही थी। अरे वो सिद्धि बहन और हम शॉपिंग कर रहे थे, देखिए। ये सारे लोग आपके बोलेपन का फायदा उठाते रहते हैं और आप बेवकूफ बनते रहते हैं।